हिमाचल में अब लगातार ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अभी सेफ है, सुरक्षित है और सुक्खू के लिए जो संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए, लेकिन उनको अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि 6 बागी विधायक अभी जो चंडीगढ़ में मौजूद है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। स्पीकर ने कहा कि दल बदल कानून के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है, सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया और विधानसभा में बजट पारित करते समय भी ये वहां पर मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने स्पीकर ने यह कहा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और को वोट करते हैं, ये अवमानना है जनादेश का। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सभी को वो बर्खास्त करते हैं, अयोग्य घोषित कर दिया गया है 6 बागी विधायकों को जो इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। और फिलहाल ये नजर आ रहा है कि जो संकट हिमाचल कांग्रेस की सरकार में मंडराते हुए नजर आ रहे थे, फिलहाल उससे बचते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 बागी विधायक बर्खास्त हो चुके हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हिमाचल से बड़ी जानकारी हमारे पास है और उन विधायकों के नाम सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के और साथ ही देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, बर्सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, ये सभी जो हैं अब बर्खास्त कर दिए गए हैं, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।